कौन है? हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? हाय मुस्कान, हेलो दीपिका, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, हेलो एवरीवन। क्या हाल है सबके? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई शढ़ाई? क्या हाल है सबके? बोलो, हो गया लंच? सबका लंच करके आ गए हैं सब? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सही चल रही है? बढ़िया, क्यों नहीं चल रही? हाँ मैं बढ़िया, तुसी दसो। प्रियांशु 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 प्रियांशु, हाय हेलो। बच्चे पीडीएफ तो मिलती नहीं है क्या आपको? क्या है? हेलो बिसीस, चलो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं, आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। लास्ट जो सेशन लिया था उसमें हमने किया था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो आज जो चैप्टर हम करेंगे वो होगा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बहुत आसान सा चैप्टर है ये। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर 3 या 4 टॉपिक्स हैं। पहला जो टॉपिक है वो है बीटी कॉटन के बारे में, दूसरा टॉपिक है इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, थर्ड टॉपिक है जीन थेरेपी, ठीक है, और फोर्थ जो टॉपिक है दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है भैया, अभी से नेगेटिव क्यों सोच रहे हो अग्निवेश? अभी भी टाइम है, अभी भी आप कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट। तो 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं। चलो अब अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। हाँ जी नीतिया, मैंने आपका नाम ले लिया। हैव कलीम, यू वांट टू क्रैक CUET देन यू हैव टू स्टडी। हाय खुशी, हाय। हाँ जी बच्चे, बायोटेक्नोलॉजी आज के टाइम पर एक बूम टॉपिक वो है, स्कोप है, बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, तो आप एज अ करियर ऑप्शन उसको देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है चलो, और जैसे कि हमेशा से हम करते आए हैं सारे के सारे टॉपिक्स को कवर विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। ऑलराइट, तो हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आने, 3 या 4 टॉपिक ही हैं बच्चे, और डेफिनेटली अगर आपको पता है कि चैप्टर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर और यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है तो आप कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी बोलो, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और आपको लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहना है। ऑलराइट चलो, द कंजप्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विद विटामिन ए डेफिशिएंसी? फ्लेवर सेवर टोमेटो, कैनोला, गोल्डन राइस, बीटी ब्रिंजल। ऑलराइट, हाँ जी आएगा आएगा। बहुत सबका क्वेश्चन आ रहा है, और बहुत बच्चों ने कल भी सेशन किया था और मुझे नाम याद है उनके। ठीक है, जैसे कि दीपिका, बबलू, वैभव, दिनकर, ये कल क्लास के अंदर ये भी थे। तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर इन्होंने किया है। चलो तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या रहेगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 गोल्डन राइस। ठीक है, तो एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि जो बीटी, इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या कॉन्सेप्ट सीखेंगे, हम बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, एक्चुअली में जो नॉर्मल जो राइस है, अगर मैं नॉर्मल राइस की बात करूं तो ये विटामिन ए रिच नहीं होता। ठीक है, ये विटामिन ए रिच नहीं होता। तो जो विटामिन ए है वो किसके अंदर प्रेजेंट होगा, कैरेट के अंदर। ठीक है, तो कैरेट के अंदर जो बीटा कैरोटीन, जो कैरेट के अंदर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा कैरोटीन जीन लिया, और ये जो बीटा कैरोटीन जीन है ये क्या है, प्रीकर्सर है। किसका प्रीकर्सर है, इट इज प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। ठीक है, अब आपको लास्ट क्लास के अंदर मैंने पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी करा दिया था, कौन कौन से हम वेक्टर वगैरह हम यूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर कैरेट का बीटा कैरोटीन जीन लिया, ठीक है, और किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, राइस के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब आप ये देखो कि यहाँ पर हम राइस का यूज, प्लांट का यूज कर रहे हैं, तो प्लांट के लिए हम जो वेक्टर यूज कर रहे थे वो कौन सा था, टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन। ठीक है, तो ये सारी की सारी कहानी है बायोटेक्नोलॉजी की, टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन। ठीक है, जो टीआई प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन का ये यूज किया, वो जो जीन है वो जीन उठा के राइस के अंदर डाल दिया। अब जो बीटा कैरोटीन है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। तो अब जो, थैंक यू वी काद्यान, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो राइस है, राइस के अंदर विटामिन ए हो गया, और आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बेसिलस थुरिंजिएंसिस स्ट्रेन्स हैव बीन यूज्ड फॉर डिजाइनिंग नोवेल बायोफर्टिलाइजर, बायोमेटलर्जिकल टेक्निक्स, बायोमिनरलाइजेशन प्रोसेस एंड बायो इंसेक्टिसाइडल। तो जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, करेक्ट आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर क्या आएगा। भाई मैं नाम ही पता कर, मुझे वैसे पता चल जाता है कि किस किसने आंसर दिया है। ऑलराइट, ओके ओके, आंसर आ रहे हैं, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। ओहो, आज तो मौज कर दी, बहुत बढ़िया, इतने सबके आंसर आ रहे हैं। और आंसर है इसका, आंसर नंबर, इसका करेक्ट आंसर है, किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया। बहुत बढ़िया, जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 4। तो देखो इसके अंदर क्या है, बेसिलस थुरिंजिएंसिस बीटी, ठीक है, बेसिलस थुरिंजिएंसिस। अब हमने जो क्रॉप है, हमने क्रॉप को किससे बचाना है, हमने क्रॉप को बचाना है इंसेक्ट पेस्ट से। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या होगा कि एक हमने बैक्टीरिया लिया, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, बेसिलस थुरिंजिएंसिस। ठीक है, मैं पूरा का पूरा जो पहला जो चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है। ठीक है, क्या है बेसिलस थुरिंजिएंसिस, और बेसिलस थुरिंजिएंसिस के पास एक जीन होता है जिसको हम बोलते हैं क्राई जीन। अब ये जो क्राई जीन है ये क्या बनाता है भैया, ये क्राई जीन बनाता है क्राई प्रोटीन। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोटीन है, ये क्राई प्रोटीन है, ये इनएक्टिव प्रोटीन है। ये क्राई प्रोटीन क्या है, ये इनएक्टिव प्रोटीन है। ठीक है, इनएक्टिव प्रोटीन, या फिर इसको प्रोटॉक्सिन भी हम बोल सकते हैं, या फिर इसको बीटी टॉक्सिन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि हमने एक प्लांट लिया, अब उस प्लांट से, उस प्लांट को हमने बचाना है किसी भी इंसेक्ट पेस्ट से। अब बेसिलस थुरिंजिएंसिस के अंदर एक जीन होता है दैट इज नोन एज क्राई जीन। ये क्राई जीन क्या बनाएगा, क्राई प्रोटीन, और इस क्राई प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, इनएक्टिव टॉक्सिन, प्रोटॉक्सिन, जैसे बीटी टॉक्सिन। जैसे आपने 11th के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे इनएक्टिव एंजाइम के बारे में पढ़ा था, जैसे कि पेप्सिनोजेन, ठीक है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कीमोट्रिप्सिनोजेन, ये सारे के सारे इनएक्टिव थे। लेकिन विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अब आपको ये सारी की सारी डिटेल पता हो गई है कि हमने एक पर्टिकुलर जीन लिया है। ठीक है, तो एक जीन यहां से उठा लिया हमने, ठीक है, हमने जीन को यहां से उठा लिया, और विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इस जीन को किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, प्लांट के लिए ट्रांसफर, प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब प्लांट के अंदर यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया तो ये प्लांट के हर एक पार्ट के पास जाएगा। फॉर एग्जांपल ये लीफ के पास चला गया। अब प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं तो अब यहाँ पर टीआई प्लाज्मिड हम यूज कर रहे हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए। ये सारे के सारे लास्ट स्टेप हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब प्लांट के हर एक पार्ट के पास क्या पहुंच गया है, प्लांट के हर एक पार्ट के पास ये जीन पहुंच गया है। अब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अब ये क्या बनाएगा भैया, अब जैसे ही इसको इंसेक्ट खाएगा, ठीक है, कोई भी जो सपोज इसको एक इंसेक्ट खाता है तो इंसेक्ट अभी तक तो इनएक्टिव, प्लांट के अंदर भी इनएक्टिव है और बैक्टीरिया के अंदर भी इनएक्टिव है। जैसे ही इसको इंसेक्ट खाता है तो इंसेक्ट की गट के अंदर इसको एक मीडियम मिलता है और वो मीडियम क्या होगी, एल्केलाइन पीएच, ठीक है। अब ये जो एल्केलाइन पीएच है इस इनएक्टिव टॉक्सिन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देती है, एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट करती है। इनएक्टिव टॉक्सिन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव टॉक्सिन के अंदर। और अगर एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो गया तो जैसे ये जो गट के ऊपर ये जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है, मिड गट के अंदर ये एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर पोर्स डेवलप कर देगा। अगर पोर्स डेवलप कर देगा तो जितना भी जो वाटर है, फ्लूइड है, वो अंदर एंटर करेगा। अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा, स्वेलिंग होगा। स्वेलिंग होगा उसके बाद लाइसिस होगा, ठीक है, रप्चरिंग हो जाएगी, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डेथ ऑफ द इंसेक्ट। तो इस तरीके से हमने कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यहाँ पर यूज नहीं किया है। हमने डायरेक्ट क्या यूज किया है, हमने एक फिनोमिना यूज किया है बायोटेक्नोलॉजी का कि भैया ये जो जीन है ना वो इनएक्टिव होता है, वो बैक्टीरिया के अंदर भी कुछ नहीं करता, वो प्लांट के अंदर भी कुछ नहीं करता, लेकिन हमारा जो दुश्मन है उसी के ऊपर हमने अटैक कराना है, ठीक है। तो वही एल्कलाइन पीएच प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जो इंसेक्ट है वही एल्कलाइन पीएच प्रोवाइड करेगा, जिससे कि इनएक्टिव एक्टिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पोर्स डेवलप हो जाएंगे, जितना भी जो फ्लूइड है अंदर की तरफ जाएगा, स्वेलिंग होगी, लाइसिंग होगी और अल्टीमेटली क्या होगी, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई है? तो पहला कॉन्सेप्ट चैप्टर का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। पहला आप कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आगे आप खुद करोगे क्वेश्चंस, ठीक है। आगे आप क्वेश्चन करोगे कि एक्टिव किस तरीके से होता है, इनएक्टिव टॉक्सिन किस तरीके से एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये अकेला क्वेश्चन नहीं है, ये अकेला क्वेश्चन नहीं है भैया। प्लांट हम यूज कर रहे हैं तो दिनकर जी यहाँ पर अगर हम प्लांट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर टीआई प्लाज्मिड यूज होगा, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन का, ऑलराइट। और ये जो ये सारी की सारी जो चीज है ना भैया, ये जो क्राई जीन है ये इंसेक्ट स्पेसिफिक है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा, जैसे कि क्राई फर्स्ट है, क्राई सेकंड है, हम यूज करते हैं किसके लिए, इंट्रोड्यूस करते हैं कॉटन के लिए, टू प्रोटेक्ट कॉटन फ्रॉम द कॉटन बुलवॉर्म्स। और जैसे ही क्राई सेकंड ऐब हो गया, ये मैं आगे क्वेश्चन आएंगे वो उसमें बताऊंगी। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके जो एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, इससे रिलेटेड जितने भी आप क्वेश्चन है ना वो आप कर सकते हो, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ आंसर, जल्दी फटाफट फटाफट आंसर बताओ। जेबा ने पहले, सबसे पहले जेबा ने आंसर दिया है, शिवम का आंसर, थर्ड पे वैभव, फोर्थ पे रितेश, फिफ्थ पे अदिति, ठीक है। वैभव पहले, सेकंड या थर्ड पे दिया है वैभव ने। ओके ओके ओके, अब मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट से वैसा ही सेम क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा ना। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। चिंपा जी ने बोला फर्स्ट वैभव का आंसर देख लिया मैंने, क्रिस्टल क्लियर हो चुका है उनको। अब देखो, बीटी टॉक्सिन किल द लार्वा ऑफ सर्टेन इंसेक्ट, ठीक है। जो बीटी टॉक्सिन है, ठीक है, वो इंसेक्ट को किस तरीके से मारेगा, By binding the activated toxin on the mid-gut epithelial cell, creating pores leading to swelling and lysing, by stopping transcription, जी नहीं, by altering central dogma taking place in the self of gut of larva, जी नहीं, by stopping protein synthesis, जी नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से जो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या होगा कि बीटी टॉक्सिन किस तरीके से किल करेगा, बाय बाइंडिंग द एक्टिव टॉक्सिन, ठीक है, जो कि इनएक्टिव टॉक्सिन है वो एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ऑलराइट। और वो मिडगट एपिथेलियल सेल के अंदर परफोरेशन कॉज कर देगा, जिसकी वजह से स्वेलिंग होगी, लाइसिस होगा और अल्टीमेटली डेथ ऑफ इंसेक्ट। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, इसलिए आप इसका आंसर कर सकते हो। बहुत बढ़िया, चलो। बीटी टॉक्सिन इज हार्मफुल टू द इंसेक्ट्स लाइक, कौन कौन से इंसेक्ट्स को कवर करेगा, लेपिडोप्टेरेंस, कोलेप्टोरेंस, डायप्टेरेंस एंड ऑल ऑफ द अबो। जल्दी इसका आंसर मुझे बताइए। हाय अलोक, हाय हाय हाय, हेलो कोमल, ऑल 4-4 आंसर आ रहा है। देखो ये जो बीटी टॉक्सिन है भैया ये इंसेक्ट स्पेसिफिक होगा, ठीक है। बीटी टॉक्सिन क्या होगा? इंसेक्ट स्पेसिफिक होगा, ठीक है। गगन, वैभव, बबलू, नीता, अंश, दिनकर, सबका आंसर ओके ओके ओके। वाव, ये चैप्टर तो आपके टिप्स पे है लगता है मुझे, ये चैप्टर तो आपकी टिप्स पर लगता है मुझे, ठीक है। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? ऑल राइट, जल्दी जल्दी इसका आंसर मुझे बताइए, जल्दी जल्दी इसका आंसर मुझे बताइए। ओके बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। ऑल राइट, देखो जो बीटी टॉक्सिन होता है वो क्या होगा? बीटी टॉक्सिन होगा इंसेक्ट स्पेसिफिक। क्या होगा? इंसेक्ट स्पेसिफिक। जैसे कि बीटी टॉक्सिन के अंदर इंक्लूडेड होंगे ये कुछ टाइप के इंसेक्ट जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है, ठीक है। तो यहां से लेपिडोप्टेरेंस के अंदर टोबैको, बड वॉर्म, आर्मी वॉर्म बिल्कुल सही है। कॉलेप्टेरेंस के अंदर बीटल्स बिल्कुल सही है। डायप्टेरेंस के अंदर फ्लाइज एंड मस्कीटोज। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4। भैया ये डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी के अंदर लाइन दी गई है, ठीक है। डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन दी गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका आपको पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4। बीटी टॉक्सिन इज हार्मफुल टू इंसेक्ट्स लाइक टोबैको, बर्ड वॉर्म, आर्मी वॉर्म। अब डिपेंड भी करता है, ये प्लांट के ऊपर भी डिपेंड करेगा एज वेल एज ये इंसेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। ये प्लांट के ऊपर भी डिपेंड करेगा और इंसेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस चैप्टर का सेकेंड कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब इस चैप्टर का सेकेंड कॉन्सेप्ट आ रहा है। एक क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ, सेकेंड कॉन्सेप्ट आ रहा है, दैट इज RNA interference technique has been devised to protect the plants from nematode is silenced by blank produced by the host plant. डबल स्टैंडर्ड DNA, सिंगल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड RNA या फिर टारगेट प्रोटीन्स। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। गगन, वैभव, IDK, आत्मिक, अंश, नैन्सी, मामोलैंड, वाह, हाय हाय हाय, दीपिका, मासूमा, फिरदोस, बहुत सही। ऑल राइट, तो यहां से बच्चों का आंसर आ रहा है थर्ड, तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक के अंदर देखो क्वेश्चन दो तरीके आ सकता है। एक तो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, और जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म विच इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स क्या होता है। तो दो तरीके से यहां पर क्वेश्चन आ सकता है, मैं दोनों तरीके आपको बता रही हूँ। प्रोकैरियोट्स के अंदर भैया जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, है ना, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इसकी मदद से होता है नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। और यूकैरियोट्स के अंदर आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक की मदद से होता है नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, ठीक है, ना, यूकैरियोट्स के अंदर। अब देखो आरएनए जो इंटरफेरेंस टेक्निक है ना, इसके अंदर होगा क्या? अब ये जो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक है हम तब यूज करते हैं जब किसी प्लांट को पर्टिकुलर निमेटोड से हम बचाते हैं, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दिया है कि मेलोआइडोगाइन इनकॉग्निशिया, मेलोआइडोगाइन इनकॉग्निशिया, ठीक है। ये एक निमेटोड है जो टोबैको प्लांट को हार्म करता है और टोबैको प्लांट्स की पर्टिकुलरली रूट्स को हार्म करता है, ठीक है। नोड्यूल्स बना देता है जिसकी वजह से सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो खुद ही ले लेता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ से जो क्वेश्चंस है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग है। यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि आरएनए इंटरफेरेंस जो टेक्निक है वो किस निमेटोड के अगेंस्ट हम यूज करते हैं, दैट इज मेलोआइडोगाइन इनकॉग्निशिया। किस प्लांट से बचाता है मेलोआइडोगाइन इनकॉग्निशिया को, मतलब कौन सा प्लांट होगा? टोबैको प्लांट होगा, ठीक है। अब टोबैको प्लांट्स की जो सपोज ये टोबैको प्लांट है, ठीक है, और इसकी रूट्स को इफेक्ट करेगा। देखो अगर ये तो सॉइल के अंदर है ना, ऊपर से हम कुछ स्प्रे वगैरह तो हम यूज कर नहीं सकते। यहाँ पर जो इन्फेक्ट करेगा वो रूट्स को करेगा कि इस तरीके से नोड्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट का है उसको भी यही क्या कर लेगा, हड़प लेगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये जो यील्ड है टोबैको प्लांट की उसको कम कर सकता है। अब देखो मैं इसको समझा रही हूँ, आपको इधर आ जाओ प्लीज, मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, ठीक है। तो आपने आंसर तो बिल्कुल सही दिया है, ठीक है, नो डाउट, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं वो हम करने वाले हैं। ऑलराइट, तो देखो जो मेलोइडोगाइन इनकॉग्निटा है, यानी कि यहाँ पर अगर निमेटोड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये निमेटोड है। ऑलराइट, तो निमेटोड का खुद, अब मैं बार बार मेलोइडोगाइन इनकॉग्निटा नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। अब ये होगा निमेटोड, अब ये निमेटोड का खुद का भी क्या होगा, डीएनए होगा, ठीक है, खुद का भी क्या होगा, डीएनए होगा। अब ये जो डीएनए है इससे क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, जो कि सेंस आरएनए बनेगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, आरएनए, मैसेंजर आरएनए, और यही जो मैसेंजर आरएनए क्या बना रहा है, प्रोटीन बनाएगा। ऑलराइट, और जो ये प्रोटीन है ना इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये प्रोटीन निमेटोड की बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर क्या है भाई कि निमेटोड का खुद का डीएनए है, तो डीएनए मैसेंजर आरएनए बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, जो प्रोटीन बनेगी ये प्रोटीन इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है। आप ये समझ लो ये प्रोटीन इस निमेटोड के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। हम कुछ ऐसे तिगड़म बिठाएं कि जो प्रोटीन है इसको ही बनना बंद कर दे, मतलब हम प्रोटीन ही ना बनने दें। अगर ये प्रोटीन ना बने तो इसका मतलब निमेटोड की भी डेथ हो जाएगी। तो किस तरीके से करने वाले हैं, इस मैसेंजर आरएनए को हम सिंगल से डबल स्टैंडर्ड कर दें। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला, इस प्रोटीन को बनने से रोकना है। अगर इस प्रोटीन को बनने से रोकना है तो इस सिंगल एमआरएनए को हम डबल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए कर दें। अगर इसको डबल स्टैंडर्ड अगर मैसेंजर आरएनए में कर देती हूँ तो ये प्रोटीन नहीं बनेगी, ठीक है। अब प्रोटीन नहीं बनेगी तो इसका मतलब निमेटोड भी क्या होगा, खत्म होगा। तो यहाँ पर जस्ट सपोज यहाँ पर एक टोबैको प्लांट लिया मैंने, ठीक है। टोबैको प्लांट की ये क्या ली मैंने, एक सेल ली, ठीक है। टोबैको प्लांट की क्या ली मैंने, सेल ली, और सेल के पास खुद का क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ऑलराइट, और न्यूक्लियस होगा तो इसके पास खुद का क्या होगा, डीएनए भी होगा। तो हमने इसका इस तरीके से जीन को इंसर्ट करना है। मेरी बात समझो, यहाँ पर मैंने क्या बोला, ये इसका खुद का क्या है, ये इसका खुद का डीएनए है, ठीक है, प्लांट सेल का। अब हमने इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज की और टीआई प्लाज्मिड यूज किया, और इस तरीके से हमने सीक्वेंस को ऐड किया कि सेंस के साथ साथ एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बनाए। मेरी बात यहाँ से समझे कि यहाँ से सेंस के साथ एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बनाए। तो ये तो जस्ट सपोज ये सेंस स्ट्रैंड है, ठीक है। अगर इसको हमने डबल स्टैंडर्ड बनाना है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने सीक्वेंस को ऐड किया है कि ये सेंस के साथ साथ एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बनाए। तो अब क्या होगा भैया, ये डीएनए है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए से डबल स्टैंडर्ड होगा, और यहाँ पर भैया एक एंजाइम होगा जिसको हम बोलेंगे डाइसर, ठीक है। ये जो डाइसर है इसको सिंगल छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ देगा। इस तरीके से ये छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाएगा। अब जैसे ही इसको निमेटोड इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं रिस्क, आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स होता है, और ये इस डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड के अंदर तोड़ देगा, और इसके पास सेंस स्ट्रैंड भी होगा और एंटी सेंस स्ट्रैंड भी होगा, ठीक है। तो सेंस स्ट्रैंड भी होगा, एंटी सेंस स्ट्रैंड भी होगा, और ये एंटी सेंस स्ट्रैंड यहाँ पर आके बाइंड अप करेगा, और जिसकी वजह से ये अब डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा। और डबल स्टैंडर्ड बन गया तो इसका मतलब अब ये प्रोटीन नहीं बनाएगा, और कॉन्सेप्ट आपका हो गया है खत्म। मेरी बात समझ में आई क्या? ये मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं? ठीक है, तो मैंने किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है ये देखो, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुकी हूँ, बीटी वाला। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है आपका आरएनए इंटरफेरेंस है। दो कॉन्सेप्ट और बचे हैं, एक कॉन्सेप्ट बचा है आपका इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन और जीन थेरेपी, ठीक है, जीन थेरेपी, दैट्स इट। आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। रिपीट करती हूँ मैं, एक बार इधर आ जाइए, रिपीट करती हूँ कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स का मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। किस तरीके से यहाँ पे काम होता है, आरएनए इंटरफेरेंस मतलब मैसेंजर आरएनए को क्या कर देता है, साइलेंस कर देता है, ठीक है। अब निमेटोड से हमें बचाना है और ये निमेटोड का नाम है, निमेटोड का नाम क्या है, नंबर पहला क्वेश्चन, मेलोइडोगाइन इनकॉग्निटा। कौन से प्लांट को इन्फेक्ट करता है, टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट का भी कौन सा पार्ट, दैट इज रूट। तो निमेटोड का डीएनए होगा, ये मैसेंजर आरएनए बनाएगा, मैसेंजर आरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। अब ये जो प्रोटीन है ये निमेटोड के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। ये जो प्रोटीन बनाई है ना, ये जो प्रोटीन इस नेमेटोड के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। हमने क्या किया, हमने कुछ ऐसा किया कि ये जो मैसेंजर आरएनए है प्रोटीन ना बना पाए। अगर ये प्रोटीन ना बना पाए, कैसे ना बना पाए, कि इस मैसेंजर आरएनए को जो सिंगल स्ट्रैंडेड है उसको डबल स्ट्रैंडेड कर दिया, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, ये करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का मदद करके कि भैया ये टोबैको प्लांट है, ठीक है, ये टोबैको प्लांट की सेल ली हमने, ठीक है, उसके पास न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के पास डीएनए होगा, तो हमने इस तरीके से सीक्वेंस ऐड करनी है, इस तरह से सीक्वेंस ऐड करनी है कि सेंस के साथ साथ एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बन जाए, सेंस स्ट्रैंड के साथ साथ एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बन जाए, ठीक है। तो टीआई प्लाज्मिड हम यूज करेंगे, टीआई प्लाज्मिड अगर हम यूज करेंगे तो भैया ये डबल स्ट्रैंडेड बनेगा, डाइसर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा, तो जैसे ही निमेटोड इसको इन्फेक्ट करेगा तो इसके पास एक आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स होता है जो इन दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर देगा, ठीक है। तो एक तो सेंस स्ट्रैंड होगा, एंटी सेंस स्ट्रैंड होगा, और इसका इधर निमेटोड के अंदर तो ये बात चल ही रही है, तो एंटी स्ट्रैंड इस एमआरएनए को साथ बाइंड अप कर लेगा और डबल स्ट्रैंडेड बना लेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। जल्दी बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलें, हाँ या ना, जल्दी बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलें। चलो ठीक है, ओके, कॉन्सेप्ट आई गेस आपको समझ में आ गया है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैंने आपको बता दिया है, क्लियर। चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज, चलो, सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज अ पार्ट ऑफ मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज removed during maturation of pro-insulin to insulin responsible for its biological activity। चलो आंसर बताओ इसका जल्दी से। आंसर आ रहे हैं मून चाइल्ड, रितेश, दीपिका, प्राची, सिमरन, बहुत बढ़िया। ओके 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 ओके, बहुत सही, बहुत लोगों के सही आंसर आ रहे हैं। देखो थर्ड जो कॉन्सेप्ट आता है बच्चे वो आता है आपका ह्यूमन इंसुलिन का, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट आता है। तो इसको मैं बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश करती हूँ। एक बार चारों कॉन्सेप्ट आप सीख लेते हो तो उसके बाद तो क्वेश्चन हम फटाफट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। देखो जो भी इंसुलिन, जो पहले हम जो इंसुलिन से पेशेंट का जो ट्रीटमेंट करते थे वो पेनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड एनिमल्स हम लेते थे, ठीक है, पेनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड एनिमल्स जैसे कि कैटल और पिग। अगर हम नॉन ह्यूमन सोर्स से अगर हम इंसुलिन को लेंगे तो बच्चे ये क्या कोज करता था, ये कोज करता था एलर्जी, ठीक है। एक्चुअली में जो इंसुलिन है वो किस तरीके से सिंथेसाइज होता है, वो सिंथेसाइज होता है एज अ प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन के पास ए चेन भी होगी, ए चेन भी होगी, ठीक है। ए चेन कौन सी होगी, जिसको हम ए पॉलीपेप्टाइड चेन बोलेंगे, ठीक है, और बी को हम बी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी और एक सी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक है। एक्चुअली में जब सपोज ये ए पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये बी पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो सी पॉलीपेप्टाइड चेन ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन को लिंक करने का काम करती है, ठीक है, इसलिए हम इसको लिंकर चेन भी बोलते हैं। ये प्रो इंसुलिन है, ठीक है, ये क्या है, प्रो इंसुलिन। लेकिन प्रो इंसुलिन है, लेकिन जो मैच्योर इंसुलिन होता है उसके अंदर तो सिर्फ दो ही चेन होती है, ए पेप्टाइड चेन, बी पेप्टाइड चेन, जो मैच्योर इंसुलिन है, मैच्योर इंसुलिन की सिर्फ मैच्योर इंसुलिन के पास दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एक तो आपका ए पॉलीपेप्टाइड चेन और दूसरा बी पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। इसके अंदर 21 अमाइनो एसिड होते हैं, इसके अंदर 30 अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सी पॉलीपेप्टाइड चेन के पास 33 अमाइनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड चेन है तो ऑब्वियसली किससे मिलकर बनी होगी, अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होगी। लेकिन ये है प्रो इंसुलिन, मैच्योर इंसुलिन के पास, मैच्योर इंसुलिन के पास सी पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं होती, ठीक है। फिर उसके बाद यूकैरियोट्स के अंदर पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से ये सी पॉलीपेप्टाइड चेन हट जाती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस सी पॉलीपेप्टाइड चेन को रिमूव करने वाली मशीनरी प्रोकैरियोट्स के पास नहीं होती। मेरी बात समझ में आई? तो अब यहां पर ये तो हो गया प्रो इंसुलिन। जो मैं मैच्योर इंसुलिन की बात कर रही हूं, मैच्योर इंसुलिन के पास क्या होगा, मैच्योर इंसुलिन के पास दो पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, एक ए पॉलीपेप्टाइड चेन, बी पॉलीपेप्टाइड चेन, और दोनों आपस में जुड़ी होंगी डाइसल्फाइड लिंकेज से, दोनों आपस में क्या जुड़ी होंगी, डाइसल्फाइड लिंकेज से, ठीक है। और 1983 के अंदर एक अमेरिकन कंपनी है इलाई लिली, साइंटिस्ट का नाम नहीं है ये है अमेरिकन कंपनी, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, जिसने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया और जो ई कोलाई होस्ट सेल जो यूज की वो की ई कोलाई, ठीक है। ईयर मैंने बता दिया है, ईयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ईयर क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंट है। 1983 इलाई लिली, और होस्ट सेल जो यूज किया वो लिया ई कोलाई। ऑल राइट, होस्ट सेल क्या यूज लिया, ई कोलाई लिया, जिसके अंदर आप देखो एक चेन है, उसके पास ए पॉलीपेप्टाइड चेन करने वाला भी जीन होगा और बी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने वाला भी जीन होगा। तो ए पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने वाला जीन लिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टीआई प्लाज्मिड, ई कोलाई के अंदर डाला, ठीक है, ई कोलाई के बैक्टीरिया के अंदर डाला, कौन सा भी प्लाज्मिड हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर डाला। अब उसने एक्सप्रेस किया, प्रोटीन बनाई, ठीक है, यानी कि हमारे पास ए पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, इसी तरीके से बी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, और फिर दोनों के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज बना दी गई, ठीक है। तो दैट इज सी पेप्टाइड ऑफ, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इंसुलिन। और जो सी पेप्टाइड है ये रिमूव की जाती है ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन, क्योंकि जो मैच्योर इंसुलिन के पास सिर्फ दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1990 टू अ 4-year-old गर्ल विद एंजाइम डेफिशिएंसी ऑफ। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, सबसे पहले जो आंसर आया है वो खुशी सुधा अंश, ठीक है। सबसे पहला जीन थेरेपी जो लास्ट जो कॉन्सेप्ट है, लास्ट जो कॉन्सेप्ट है उसका ये रहा, ठीक है, जीन थेरेपी। चलो जीन थेरेपी लास्ट क्वेश्चन है, ओके। एडिनोसिन डीएमिनेज, देखो जीन थेरेपी का मतलब क्या है कि फॉल्टी जीन को रिप्लेस करके, लास्ट कॉन्सेप्ट है भाई, फिर हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। फॉल्टी जीन को रिप्लेस करना है विद अ हेल्दी जीन, ठीक है, फॉल्टी जीन को रिप्लेस करना है विद अ हेल्दी जीन। ऑल राइट, ये है जीन थेरेपी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, फर्स्ट जो क्लिनिकल जो जीन थेरेपी है वो कब दी गई, 1990 के अंदर की दी गई, 4-year-old गर्ल को दी, और उसको क्या डेफिशिएंसी थी, एडीए, यानी कि एडिनोसिन डीएमिनेज। क्या है भाई, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी थी, ठीक है, एडिनोसिन डीएमिनेज। अब देखो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम ये क्या कॉज करता है, एससीआईडी। एससीआईडी का मतलब सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है, एससीआईडी का मतलब क्या है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब है भाई ग्रुप ऑफ सिम्टम, ठीक है। अब देखो जिस इंसान के अंदर एडीए एंजाइम नहीं होगा, जिस इंसान के अंदर जो रेड बोन मैरो है उसकी स्टेम सेल के अंदर अगर एडीए एंजाइम का डिलीशन हो जाएगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो बी लिम्फोसाइट है और टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट नहीं बन पाएंगे। अगर बी लिम्फोसाइट अगर टी लिम्फोसाइट अगर नहीं बन पाई तो इसका मतलब क्या है, जो इम्यून सिस्टम है वो एकदम क्या होगा, ठप हो जाएगा। और ऐसे पेशेंट को बहुत, जैसे तो हम नॉर्मल अगर कॉमन कोल्ड हुआ तो हम ठीक हो जाते हैं 6 से 7 दिन में, 4 या 5 दिन में, लेकिन ऐसे मतलब पेशेंट जिनके अंदर एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम नहीं है तो उनके अंदर मैच्योर मतलब बनती ही नहीं है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अगर बी और टी लिम्फोसाइट नहीं बनेगी तो इम्यून सिस्टम कंप्लीटली ठप, जो आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हो, ठीक है, जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्रोवाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो इसका जो मेन जो मतलब बहुत सारे तरीकों से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन सिर्फ एक क्या है, परमानेंट क्योर है। परमानेंट क्योर क्या है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एक तो क्या क्योर है भाई कि एंजाइम को रिप्लेस कर दिया जाए, यानी कि एडीए एंजाइम की इंजेक्शन इंट्रावेनसली दी जाए, लेकिन ये भी परमानेंट क्योर नहीं है। दूसरा जो क्योर है दैट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो यानी कि जो रेड बोन मैरो है उसका ट्रांसप्लांटेशन कर दिया, ठीक है, लेकिन ये भी एक मतलब वैसे तो ये परमानेंट क्योर है लेकिन एनसीईआरटी नहीं मानती। और क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इतना इजी नहीं है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, मैच करनी पड़ती हैं, उसके बाद भी चीजें क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। जो थर्ड अगर मैं बात करूँ जीन थेरेपी, यानी कि जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो लिम्फोसाइट है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट है वो इंट्रोड्यूस करना, लेकिन ये भी परमानेंट क्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट आपको पता है लिम्फोसाइट का मतलब लाइफ स्पेन क्या रहता है, डेफिनेट रहता है, तो रेगुलर फ्यूजन चाहिएगा लिम्फोसाइट का। लेकिन जो लास्ट जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगा भैया, दैट इज एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर अगर ये काम किया जाए, जिसके अंदर आपको पता है जो मोरूला क्या है, मोरूला वो स्टेज है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर आप पढ़ के आए हो, जिसके अंदर जो सेल्स होती हैं भाई, जो सेल्स होती हैं वो क्या होगी, जो सेल्स होंगी भाई वो सारे के सारे ऑर्गन्स के लिए, सारे के सारे जीन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगी फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो अगर ये सारी के सारी जीन थेरेपी अगर की जाए एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज तो ये पॉसिबल है। So the correct answer of this question is adenosine deaminase. Option number first is the correct answer. All right. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीज विच इंक्लूड कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड अल्जाइमर डिजीज। इसका आंसर बताइए, बहुत आसान है, बहुत आसान है इसका आंसर, अभी तक आंसर नहीं आया है, ठीक है, अभी तक आंसर नहीं आया है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो जो जीन था, जो जीन अगर मैं बात करूं कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो जीन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एडीए एंजाइम, अगर उसको इंसर्ट कर देते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर तो जीन थेरेपी का क्या है, परमानेंट क्योर है। ऑल राइट, चलो ऑल ऑफ दिस एनसीईआरटी का डिटो स्टेटमेंट है भाई, एनसीईआरटी का डिटो स्टेटमेंट है, सेम टू सेम। करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, 4। ट्रांसजेनिक मॉडल हर एक डिजीज के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन ये किसके लिए यूज की जाती है, जल्दी बताओ। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, चलो जल्दी से बताओ। अब जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्या कर लिया है, पढ़ लिया है, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट की हमने स्टडी कर ली है, अब हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करेंगे। ओके, एम्फाइसीमा, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा-1 मून चाइल्ड, अंजलि जी ने आंसर दिया है डी, वैभव का भी सही है, शिवम, अंश, आनंद, कोमल, दीपिका, सबका आंसर क्या है, सही है। जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है भाई ये किसके लिए यूज किया जाता है टू ट्रीटमेंट एम्फाइसीमा, और आप 11th क्लास के अंदर पढ़ के आए हो कि एम्फाइसीमा क्या है भाई, ये एक मेन जो रीजन है एम्फाइसीमा का दैट इज स्मोकिंग, जिसके अंदर जो एक्सचेंज का जो सरफेस एरिया है वो क्या, एल्वोलाई का सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, जिससे कि प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं हो पाता, सरफेस एरिया कम हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीईएसी, जीईएसी का करेक्ट आंसर बताओ। जीईएसी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द, जो भी जितने भी जो देखो एक्चुअली में बहुत सारे एथिकल इश्यूज से भी रिलेटेड आते हैं कि हम किसी भी पर्सन का, किसी भी जो सेल है, प्लांट है, उसका जेनेटिक मतलब मटेरियल के साथ हम छेड़खानी कर रहे हैं तो बहुत सारे एथिकल इश्यूज भी आते हैं। जो भी ट्रांसजेनिक जो ऑर्गेनिज्म है वो सेफ है या नहीं है, जो भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट जो बन रहा है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, ये सही है या नहीं है। तो इससे रिलेटेड सारी की सारी चीजों को डिस्कस करने वाली कमेटी कौन सी है? जीईएसी, एंड दैट इज जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इसका फिलहाल में नाम चेंज हुआ है, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। नाम क्या चेंज हुआ है वो आपको अगले क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है। अंश ने 4 के आगे 3333 लगाया, भैया कैसे होगा, कैसे चलेगा ऐसे? जो चेंज हुई है इसकी, अभी भी रिसेंट में इसका नाम चेंज हुआ है, वो आपको क्वेश्चन में आगे मिलेगा, ठीक है। ज्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ एक वर्ड का चेंज है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which variety of rice was patented by a US company even though the highest number of varieties of this rice is found in India? चलो बताओ, मतलब देखो इतनी ज्यादा वैरायटी मिलती है इंडिया के अंदर, फिर भी यूएस ने मतलब बोल दिया कि ये तो हमारी है वैरायटी। ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे मान लेंगे हम, ठीक है। शाहिद, आयुष, अदिति, नितेश, कोमल, दीपिका, दिनकार, बहुत बढ़िया अदिति, नितेश, बहुत। आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल। आप जितने जो क्वेश्चंस मिल गए ना, क्या तो आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट से मिलेंगे या फिर आपको डायरेक्ट किससे मिलेंगे? 20 साइज वैरायटी, बिल्कुल सही है, डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज। जल्दी 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 क्वेश्चन जल्दी। ऐप पर चेक कीजिए दीक्षा शंकर, ऐप पर, पीडब्ल्यू के ऐप पर। The use of bio-resources by multinational companies and other organizations without the proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment is known as bioethics, biopiracy, bioterror या फिर bioweapon। करेक्ट आंसर आ रहा है सबका बी 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 बी। सेकेंड करेक्ट आंसर आ रहा है सबका, तो बहुत बढ़िया। जिसने बोला है सेकंड, जिसने सेकंड बोला है उसका एकदम से करेक्ट आंसर है, ठीक है। मतलब अगर किसी ने भी कोई नई डिस्कवरी की है और उसको बिना उसकी नॉलेज के, बिना बताए या फिर बिना कुछ कंपेंसेशन दिए अगर कोई यूज कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बायोपायरेसी। उसको हम क्या बोलेंगे? बायोपायरेसी हम बोलेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन टू कैटर रिक्वायरमेंट ऑफ पेटेंट टर्म्स एंड अदर इमरजेंसी प्रोविजंस इन रिगार्ड। मतलब कौन सा? बायोपायरेसी एक्ट, इंडियन पेटेंट बिल, आरटीआई। बच्चे देखो, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर हम जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज कर रहे हैं तो बहुत सारे एथिकल इश्यूज भी जुड़ते हैं, ठीक है। उन एथिकल इश्यूज की हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैट इज एथिक्स। ऑलराइट, चलो इंडियन, आपके बार आंसर कम हो गए, ऐसा कैसे हो गया? ये तो आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, डायरेक्ट लाइन गिवन है, क्या कर रहे हो पाजी? गगन वाईटी, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, ठीक है, ओके। आयुष, वत्स, वैभव, दीपिका, आनंद, शिवांशु, नितेश, आयुष, गगन। देखो द करेक्ट आंसर इज क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड। आपको ये भी पता हो जाना चाहिए कि लेफ्ट पेज पे आएगी एनसीईआरटी, तो उसको सबसे नीचे वाले पैराग्राफ 3 से 4 लाइन छोड़ के ही आपका इंडियन पेटेंट बिल के बारे में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बीटी टॉक्सिन। अब बताओ मुझे, बीटी टॉक्सिन इस जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट कौन सी है? बीटी प्रोटीन एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन इन बेसिलस, द एक्टिवेटेड टॉक्सिन एंटर द ओवरीज ऑफ द पेस्ट टू स्टरलाइज इट, दस प्रिवेंट इट्स मल्टीप्लिकेशन, द कंसर्न बेसिलस हैज एंटीटॉक्सिन, द इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट। बोलो बोलो बोलो, सबके आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4। तो जिन्होंने बोला ऑप्शन नंबर 4 उनको जाता है गुड लक, ठीक है, बहुत बढ़िया। ए ए ए पिकाचू पिकाचू, फिर से देखिए गलत हो गया है आपसे। देखो बेसिलस के अंदर जो ये टॉक्सिन है, यानी कि बेसिलस थोरेंजेनेसिस जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर भैया ये जो टॉक्सिन है वो इनएक्टिव होता है, ठीक है। ये एक्टिव कब होगा? ये गट के अंदर जाके एक्टिव होगा इंसेक्ट की, जब उसको एल्कलाइन पीएच मिलेगी। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, कैसे गलत हो गया, ठीक है। कैसे गलत हो गया आपका। द इनएक्टिव प्रोटोक्सिन गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट, कैसे गलत हो गया, अभी मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया था। चलो बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ध्यान से पढ़ लेना, करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है, तो जल्दी बताओ। करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट क्या है, द प्रोटीन एनकोडेड बाय द जीन क्राई फर्स्ट ऐप एंड क्राई सेकेंड ऐप कंट्रोल कॉटन बुलवॉर्म, प्रोटीन एनकोडेड बाय क्राई फर्स्ट ऐप कंट्रोल कॉर्न बोरर, both first and second proteins encoded by cry first and cry first ab control flies। देखो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो यहाँ पर, इस क्वेश्चन के ऊपर, यहाँ से आपको कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कंफ्यूज कर देंगे। जीन पूछा, मैंने आपको बताया था, दैट इज इंसेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है। जीन डिपेंड करता है प्लांट कौन सा है और डिपेंड करता है कि जीन कौन सा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, बहुत बढ़िया, तो क्राई फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को, दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। द प्रोटीन एनकोडेड बाय जीन क्राई फर्स्ट ऐप एंड क्राई सेकंड ऐप कॉटन बॉल वर्म से प्रोटेक्ट करता है, और जो प्रोटीन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भैया, एंड द प्रोटीन एनकोडेड बाय क्राई फर्स्ट ऐप कंट्रोल द कॉर्न बोरर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, ओके। चलो भैया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फिर से आपसे पूछा है करेक्ट और इनकरेक्ट, करेक्ट बताओ। द करंट इंटरेस्ट इन द मैनिपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स प्लांट्स एंड एनिमल्स हैज रेज्ड सीरियस ethical issues. One possible risk of genetic engineering is the accidental production of dangerously resistant microorganisms. Alright, although risks are possible, genetic engineering appears to offer more of contribution to human welfare than threats. All of the above. बच्चे पोल के अंदर ना क्वेश्चंस मैं आपको ज्यादा नहीं करा पाती हूँ, ठीक है, पोल के अंदर हम बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस कर पाएंगे, इसलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ अभी, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, इसके बाद आपकी दूसरी क्लासेस भी होनी रहती हैं, ठीक है। ओके, शिवम, वैभव, तनु, शिवांशु, एकता, सोनी, अदिति, अंश, खुशी, वैभव, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर फोर, डायरेक्ट एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है भाई, डायरेक्ट एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करो, ठीक है, इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है गगन बायो, ठीक है, जितना आप कह रहे हैं कि जितने भी जो करंट इंटरेस्ट चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम ऑल्टरेशन वगैरह कर रहे हैं, जिसकी वजह से एथिकल इश्यूज भी आ रहे हैं। वन पॉसिबल रिस्क ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द एक्सीडेंटल प्रोडक्शन ऑफ डेंजरली रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमेशा ये रिस्क रहता है कि जो भी हमने वैक्सीन वगैरह बनाई है, ये मतलब ठीक है या नहीं, या फिर किसी भी पर्सन के ऊपर इसका एलर्जिक रिएक्शन हो रही है या नहीं। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, चलो थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट बतानी है इनकरेक्ट। अगर ये क्वेश्चन आपने कर दिया तो इसका मतलब है आपको चीजें समझ में आ गई। इनकरेक्ट पूछा हुआ है, मैंने पहले हाईलाइट कर दिया है। स्टेटमेंट्स को पढ़ो, थोड़ा सा टाइम लो, जल्दबाजी मत करो, ठीक है, और मुझे करेक्ट आंसर बताओ, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करो, हमारे पास बहुत क्वेश्चंस हैं अभी, टाइम लेके आंसर करो, डोंट वरी। आनंद यादव ने तो सबसे पहले बोल दिया फोर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, चलो मेरे साथ। ओके, अदिति दास का आंसर आया है ओनली थर्ड, इनकरेक्ट है सिर्फ थर्ड। चलो बोलो, आंसर थर्ड, आंसर फोर, ओनली थर्ड। ओके ओके, आंसर सी 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 सी। चलो चलो आराम से पढ़ो, जिसने फर्स्ट बोला है एक बार ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ो, उसके बाद आंसर करना, ठीक है। चलो थोड़ा सा टाइम लो, उसके बाद क्वेश्चन को करो, थोड़ा सा टाइम लो, स्टेटमेंट्स को पढ़ो, जल्दबाजी मत करो। स्टेटमेंट्स, 5 स्टेटमेंट्स दी हैं, उसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। ओके, फर्स्ट बोल रहे हैं कि सिर्फ थर्ड है। चलो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आज recombinant DNA technology is used to improve crop plant by increasing their productivity. Recombinant DNA technology फर्स्ट पेज के ऊपर ही recombinant DNA technology की आपको बहुत 4-5 स्टेप्स दिए गए हैं, ठीक है, कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से बताता है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की मतलब ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिले जैसे गोल्डन राइस वगैरह। ऑलराइट, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू इंप्रूव द क्रॉप प्लांट्स बाय इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्टिविटी बाय मेकिंग देम मोर न्यूट्रिएंट्स एंड डेवलपिंग डिजीज रेजिस्टेंट। पहली स्टेटमेंट सही है। बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू बुलवर्म इन्फेस्टेशन, बिल्कुल सही है, ठीक है। और बेसिलस थुरिंजिएनेसिस बेसिलस थुरिंजिएनेसिस कैन फॉर्म क्राई प्रोटीन ड्यूरिंग एनी फेज ऑफ देयर ग्रोथ। देखो जो बेसिलस थुरिंजिएनेसिस जो क्राई प्रोटीन बनाता है वो आपकी एनसीईआरटी के अंदर स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी खोलो, आपको पता चलेगा एट पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ, ठीक है। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाती है, गलत। तो नन ऑफ दीज गलत, ऑल ऑफ दीज आपका ऑप्शन गलत, ठीक है। बचे आपका फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, तो ये भी ऑप्शन गलत। बाकी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट आंसर वन, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट, बेसिलस थुरिंजिएनेसिस इज नॉट हार्म्ड बाय द सेल्फ क्राई प्रोटीन बिकॉज वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रहता है। बेस प्रोटॉक्सिन क्राई प्रोटीन इज चेंज्ड इनटू एक्टिव प्रोटीन स्टमक के अंदर क्योंकि उसको एल्कलाइन पीएच मिलती है। बिल्कुल सही, जिसने सही बोला। और अगर आपको कंफ्यूजन होता है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, तो भाई आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, ठीक है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। चलो, Which one of the following four statements and answer the questions? Which are the two statements having mistakes? आपको incorrect statement बतानी है। ऐसी कौन सी statement है जिनमें mistake है? The first transgenic buffalo Rosie produce milk which has human alpha lactalbumin and RISC restriction enzymes are used in isolation of DNA from other macromolecule. Downstreaming process is one of the steps of recombinant DNA technology. Disarmed pathogen vector are also used in transfer of recombinant DNA into the host. ठीक है, गुड आफ्टरनून फातिमा, गुड आफ्टरनून। प्राची पटेल का आंसर आ गया है थर्ड। आपकी बार आंसर वेरी कर रहा है। अब अभी तक तो सबका सेम आंसर आ रहा था, ठीक है, अभी तक तो सबका सेम आंसर आ रहा था, अब की बार वेरिएशन आ रही है आंसर्स में। अब की बार वेरिएशंस आ रही है। बी 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 मैक्सिमम बी कर रहे हैं, मैक्सिमम बी कर रहे हैं। बी बी ओके। फरीहा मुस्कान, मैंने क्या कर दिया भाई? ओके, आंसर आ रहे हैं अभी। ओके, आंसर है, बहुत लोग बी और फोर कह रहे हैं। चलो इधर आओ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन जो ट्रांसजेनिक रोजी, भाई रोजी भैंस नहीं थी, रोजी थी गाय, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी, गलत। तो पहला किस किस के अंदर है वो ऑप्शन तो आप हटा दो, ठीक है। इसका मतलब आपका ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बचे क्या, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड। क्या डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस इज वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जो लास्ट जो स्टेप है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का वो क्या है, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग ही तो थी जिसके अंदर मतलब एक तो था सिंथेटिक फेज जिसके अंदर हमने बायोरिएक्टर्स का यूज किया था, कल्चरिंग की थी लार्ज नंबर के अंदर। तो उसके बाद डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस था जिसके अंदर सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन हो रहा है। जो भी अगर एंटीबायोटिक भी अगर बन रही है, अगर कोई वैक्सीन बन रही है तो उसका प्रॉपर ट्रायल होगा, पैकेजिंग होगी, उसके बाद मार्केटिंग होगी। तो ये सारे के सारे स्टेप्स है डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस इज वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। थर्ड स्टेटमेंट तो सही है, तो इसका मतलब ये आंसर भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। चेक कर लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए। भाई आइसोलेशन ऑफ डीएनए के लिए यूज थोड़ी करते हैं, रेस्ट्रिक्शन आइसोलेशन ऑफ डीएनए के लिए हम क्या क्या यूज कर रहे थे। आइसोलेशन जो पहला स्टेप था जिसके अंदर हम सेलुलेज यूज कर रहे थे, काइटिनेज हम यूज कर रहे थे, ठीक है, और बैक्टीरिया सेल थी तो उसको हम लाइसोजाइम यूज कर रहे थे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो पर्टिकुलर साइट के ऊपर कट लगा रहा था, किसके ऊपर कट लगा रहा था, पर्टिकुलर साइट के ऊपर कट लगा रहा था, फ्रेगमेंट्स कर रहा था, फ्रेगमेंटेशन में हेल्प कर रहा था। तो ये आइसोलेशन में थोड़ी कर रहा था, ठीक है, आइसोलेशन में थोड़ी कर रहा था। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, गलत होगी। फर्स्ट आपकी गलत हो गई, ठीक है, और डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस सही है। डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स यूज करते हैं हम, जैसे कि आपका टीआई प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन इन केस ऑफ प्लांट्स, रेट्रोवायरस इन केस ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ऑलराइट, चलो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर, कोई बात नहीं, ध्यान से क्वेश्चंस को करना। चलो अब आ जाओ कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, मैच ऑफ द फॉलोइंग। चलो 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 आंसर दो। मैच द आइटम्स इन द कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बताओ, कोई बात नहीं, गलत हुआ तो अभी यहीं पर गलत हुआ है, एग्जाम के अंदर गलत नहीं हुआ, तभी तो हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, तभी तो हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। डी 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 डी। अब मुझे वेरिएशंस दिखाई दे रही है, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस के अंदर वेरिएशंस नहीं थी, अब क्वेश्चंस के अंदर वेरिएशंस दिखाई दे रही है। ओके, दीपिका 4, राजीव, खुशी, शिवांशु, अंश, सबका 4 है। तो मेजॉरिटी सेज इट्स 4। प्राची ने बोला है ए, ठीक है, प्राची का अलग आ रहा है बस, बाकी सबका आ रहा है सेम। अदिति ने भी बोला है ए, पप्पू चौहान ने बोला है थर्ड। जिनका 4 आ रहा है उनका मैं नाम नहीं ले रही हूँ, जिनका अलग आ रहा है उनका नाम ले रही हूँ, ठीक है। ओके मुस्कान, आपका नाम पढ़ के तो मेरे चेहरे पे आती है मुस्कान। प्राची पटेल ए। आ जाओ, जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, फ्लेवर सेवर टोमेटो, बायोपायरेसी एंड ई कोलाई। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो शेल्फ लाइफ, तो फ्लेवर सेवर टोमेटो है, ये आरएनए इंटरफेरेंस की ही एक क्या है, एप्लीकेशन है, ठीक है। किसकी एप्लीकेशन है, आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक की मदद से हम, आप देखो, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक की मदद से हम टोमेटो का लाइफ स्पेन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो एंजाइम है पोलीगैलेक्टोरूनस, जो एंजाइम है वो एंजाइम बच्चे इसकी राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसकी राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टोमेटो की राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक की मदद से हमने इसको हमने डबल स्टैंडर्ड कर दिया, ठीक है। पूरा का पूरा मैं कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ, जिससे कि इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ गई जेनेटिकली। अब देखो ऑप्शन नंबर बी गोज विद द फर्स्ट, तो बी गोज विद द फर्स्ट, आप ये ऑप्शन तो हटा दो। अब मैं बात करती हूँ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम किसकी मदद से यूज करते हैं। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए गोज विद द थर्ड। अब ई कोलाई को देख लेते हैं। ई कोलाई इलाई लिली कंपनी ने यूज किया था, ठीक है, एज अ होस्ट सेल, और क्या बनाया था, इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो ऑप्शन नंबर डी गोज विद द फोर्थ, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, डी गोज विद द फोर्थ, डी गोज विद द फोर्थ। अब ए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आ रहा है आपका थर्ड के ऊपर, और यहाँ पर जो बायोपायरेसी किसके अंदर आया है भाई, बायोपायरेसी मतलब बायो रिसोर्सेज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। जिसने ए बोला वो बिल्कुल सही है, जिसने मेजोरिटी ने डी बोला उसका गलत है, ठीक है। ऑल राइट, तो ए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और इंसुलिन। देखो जेनेटिकली, अब इंसुलिन के अंदर इंसुलिन क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है? इंसुलिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो प्रोडक्ट है इंसुलिन, वो क्या बनेगा, ई कोलाई से तो हम बना रहे थे, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, मैच द कॉलम। जिसका गलत हुआ कोई बात नहीं, अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी बोलो। अब आंसर करना शुरू करो। आत्मिक ने सबसे पहले आंसर दिया है, फिर अंश ने दिया है, अदिति, वैभव, वैभव इज ऑन फोर्थ नंबर, कोमल ने सेकंड दिया है, रितेश सेकंड, ओके सेकंड, पीयूष, प्राची, शिवांशु, वैभव, अदिति, अंश, सिमरन, गगन ने अब की बार बी दिया है, ठीक है। कोमल, आपसे पहले 2-3 बच्चे आ गए थे भैया कोमल जी। जावा टेक ने बोला बी। अब देखो जीन थेरेपी यानी कि एडीए एंजाइम की डेफिशिएंसी होता है। जीन थेरेपी एडीए एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है, एडेनोसिन डिएमिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होता है, दैट को सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसकी फुल फॉर्म याद रखना। ऑप्शन नंबर ए गोज विद थर्ड। तो आप ये ऑप्शंस तो हटा दो, ये ऑप्शन भी हटा दो, ये ऑप्शन भी हटा दो, कितना जल्दी आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बीटी कॉटन, बायोफर्टिलाइजर के लिए हम यूज करते हैं राइजोबियम, आपने बॉटनी के अंदर पढ़ा होगा। बीटी कॉटन क्राइजीन एंड ह्यूमिलिन यानी कि डायबिटीज को केयर करता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब की बार गगन आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। मैच द कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकेंड। ऑल राइट वैभव, ऑल राइट। एक बार आप चेक कीजिए ऐप पर, शायद आपको ऐप पर सब कुछ मिल जाएगा। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर ए और थर्ड में कंफ्यूजन है बच्चों को, ए और थर्ड। अब हम देख लेते हैं गोल्डन राइस। अब मैंने आपको बताया था डैफोडिल से मिलता है, डैफोडिल, ठीक है, जो डैफोडिल है वहां से हम गोल्डन राइस यानी कि यहाँ पर आएगा आपका विटामिन ए रिच, ठीक है, बीटा कैरोटीन जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से इंट्रोड्यूस करते हैं, बीटी टॉक्सिन, क्राई प्रोटीन, आरएनए इंटरफेरेंस, जीन साइलेंसिंग, डी यानी कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गोज विद द सेकंड। आप जल्दी से इन ऑप्शन को हटा दो। बी गोज विद द फर्स्ट, ये भी हटा दीजिए। सी गोज विद द फोर्थ, डी गोज विद द थर्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए जरा आ जाइए। ऑप्शन नंबर, हाँ जी, ऐप पर मिलती है पीडीएफ मिल जाती है वैभव, पीडीएफ उधर मिल जाती है। चलो। शाहीन, आप देखो आपको क्या करना है जिंदगी में, ठीक है। आप क्या करना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए। चलो करेक्ट आंसर आ रहा है 4 4 4 4 4। करेक्ट आंसर आ रहा है 4 4 4 4। देखो चेक कर लेते हैं फॉरेंसिक साइंस। देखो फॉरेंसिक साइंस का जो बेस है दैट इज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एलाइजा। एलाइजा एंजाइम लिंक, देखो फुल फॉर्म याद रखनी है आपको एलाइजा की, एड्स की, SCID की, HIV की, ठीक है। ये लो ये फुल फॉर्म याद रखना। अब देखो एंड RCH, ठीक है, MTP कुछ फुल फॉर्म है, ये तो आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे, ये क्या है एड्स का, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है और इसका अगर आपसे कन्फर्मेटरी टेस्ट पूछे तो आप बोलोगे वेस्टर्न ब्लोटिंग, ठीक है। वेस्टर्न ब्लोटिंग इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट है। एंड प्रोब, रेडियो एक्टिव डीएनए और आरएनए हो सकता है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन टू क्योर एम्फाइसीमा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए गोज विद द 4। ऑप्शन नंबर ए गोज विद द 4। देखो एक ऑप्शन पता होने के बाद आपके सारे के सारे ये चीज गलत हो गई है, मतलब ऊपर के तीनों ऑप्शन यहाँ से हट गए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ से, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ए गोज विद द 4, बी गोज विद द फर्स्ट, सी गोज विद द सेकेंड, डी गोज विद द थर्ड, ठीक है। एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट है और इसका अगर प्रिंसिपल पूछे तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कुल। चलो आ जाओ अब आगे, साइलेंसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए। जल्दी जल्दी करते हैं अब हम। साइलेंसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए हैज बीन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स रेजिस्टेंट टू, बोलो साइलेंसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए हैज बीन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स रेजिस्टेंट टू। देखो साइलेंसिंग मैंने आपको बताया था, चलो नीमेटोड का नाम और बता दो, मैंने अब आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, अब आपसे मैं आंसर जल्दी जल्दी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया, सबका आंसर BBB, सबका आंसर रेड से बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया है जावा टेक जी ने। ओके तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा मेलोइडोगाइन इनकॉग्निटा, बिल्कुल सही है। और कौन से पार्ट को इन्फेक्ट करता है ये भी ध्यान रखना, रूट ऑफ टोबैको प्लांट, ठीक है, रूट ऑफ टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है, ये भी ध्यान रखना, पता चले ये ना ध्यान रखो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। बहुत बढ़िया, ठाकुर जी ने सही जवाब दिया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, द जेनेटिक डिफेक्ट एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी में बी क्योर्ड परमानेंटली। चलो जितने मैंने आपको जितने भी मैंने आपको बताया है कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद जीन थेरेपी की परमानेंट क्योर, परमानेंट, राजीव वर्मा आप 3rd कह रहे हो, एक बार ध्यान से, जो 2nd कह रहा है एक बार ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, मैंने कॉन्सेप्ट इसीलिए आपको बताया था, ठीक है, डिटेल में मैंने कॉन्सेप्ट इसीलिए आपको बताया था। 4 कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। इट्स अ गुड, ऋषभ सिंह अच्छा ऑप्शन है। बहुत बढ़िया करना रहेगा ऋषभ। ओके देखो एडमिनिस्ट्रिंग एडिनोसिन डीएमिनेज थ्रू इंजेक्शन परमानेंट क्योर नहीं है, बोन ट्रांसप्लांटेशन है लेकिन कॉम्प्लिकेट है बहुत, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी नहीं है। अगर हम वो जीन डाल दें, ठीक है, अगर मैं वो जीन इंट्रोड्यूस कर दूं, इंट्रोड्यूस आइसोलेटेड जीन फ्रॉम बोन मैरो सेल प्रोड्यूसिंग ADA इनटू द सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, ठीक है, तो ऐसा जीन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ADA सिंथेसिस, ठीक है, ADA एंजाइम की सिंथेसिस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है जीन, अगर इसको इंसर्ट कर देते हैं एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है, आपको पता है फॉर एग्जाम्पल मोरूला मोरूला, मोरूला स्टेज पे, तो इसका ये परमानेंट क्योर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Cry2Ab एंड Cry1Ab प्रोड्यूस टॉक्सिन रिस्पेक्टिवली। चलो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क किया था उससे बच्चे मैं सिर्फ यहाँ पर अभी क्वेश्चंस के बारे में बात कर रही हूँ, तो आप आंसर कीजिए उनका, उसके बाद लास्ट में आपसे बातें की जाएंगी, उसके बाद आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर करूँगी। ठीक है, तो बताओ, पहले आंसर करो इसका, Cry2Ab एंड Cry1Ab प्रोड्यूस टॉक्सिन दैट, आंसर क्या रहेगा? ए। देखो मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन लिखवाया था, मैं आपको फिर से वो स्लाइड खोल के दिखाती हूँ। दैट इज Cry1Ab एंड Cry2Ab। ठीक है, ये मैंने आपको बोला था, यहाँ से क्वेश्चन आता है Cry1Ab एंड Cry2Ab कॉटन बुलवॉर्म। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। करेक्ट आंसर अभी भी करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है। करेक्ट आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था ये स्पेसिफिक रहता है प्लांट के लिए एंड इंसेक्ट्स के लिए, डिपेंड करता है प्लांट के लिए और इंसेक्ट के लिए। ठीक है, Cry1Ab एंड Cry2Ab एंड Cry1Ab। बताओ आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ आंसर। जल्दी बोलो आंसर, जल्दी बोलो आंसर इसका, जल्दी 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 आंसर इसका बोलो भाई, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि करने हैं। बहुत सारे अभी क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो हमने फिनिश करने हैं। प्राची, शिवम, प्राची, राहुल, इनका फर्स्ट आंसर आ रहा है। चलो जल्दी इसका आंसर बोलो, जल्दी इसका आंसर बोलो, जल्दी इसका आंसर बोलो। पिछले वाले का भैया क्वेश्चन, अच्छा इसका आंसर बताओ क्या है, इसका आंसर क्या है? बेसिलस थुरिंजिएनिसिस, क्राई प्रोटीन। ठीक है, थर्मस एक्वेटिकस डीएनए पॉलीमरेज जो कि हम पीसीआर के अंदर यूज करते हैं, जो कि किसके अंदर यूज करते हैं? पीसीआर के अंदर यूज करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियम, भाई ये क्लोनिंग वेक्टर है। साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम, ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। और चलो ये बताओ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल किसने बनाया था? स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने ये बनाया था। ठीक है, 1972 के अंदर, यूजिंग साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। ऑप्शन नंबर ए गोज विद द 4। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर हाँ जी, हाँ जी वैभव, बिल्कुल सही है। पीछे वाला मैंने गलती से करेक्ट आंसर ये लगा दिया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। बिल्कुल बिल्कुल मैंने देख लिया था, लेकिन मैं एक बार चेक कर रही थी, एक बार ये क्वेश्चन हो जाए तो मैं उस पर जा रही थी। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओके, तो बताओ ऑप्शन नंबर ए गोज विद द 4th, बी 3rd, सी 1st एंड डी 2nd। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए. आरएनए इंटरफेरेंस इज यूज्ड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. आरएनए इंटरफेरेंस हम क्यों यूज करते हैं? चलो चलो चलो, आरएनए इंटरफेरेंस, मैसेंजर आरएनए साइलेंसिंग, एमआरएनए साइलेंसिंग हम किस लिए यूज करते हैं? टू डेवलप ए प्लांट टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, टू डेवलप ए पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट अगेंस्ट इन्फेस्टेशन बाय नेमेटोड, टू एनहेंस द मिनरल यूसेज बाय द प्लांट, टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस. जल्दी वैभव बी बिल्कुल देखते हैं अभी. गगन यूट्यूबर आदिति मुस्कान वैभव जावा दिनकर सेकंड आत्मिक दिनकर बहुत बढ़िया. शिवांशु यादव बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. सबका आंसर क्या रहा? सबका आंसर रहा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, निमेटोड कौन सा रहेगा? निमेटोड कौन सा रहेगा? निमेटोड रहेगा आपका मेलोइडोगाइन इनकॉग्निशिया. ठीक है, रूट को ये इन्फेक्ट करता है. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. और कैसे? डबल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए बना के, यानी कि उसकी हम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देते, यानी कि कौन सा स्टेप नहीं होने देते? ट्रांसलेशन नहीं होने देते. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मेलोइडोगाइन इनकॉग्निशिया? कौन सा ऐसा मतलब पार्ट है? ये तो आपने बहुत बार बोल दिया, ये तो बहुत बार आपने बोला, इसका तो आंख बंद करके आप आंसर लगा सकते हो, मतलब आंख खोल के, मतलब बहुत इजी है, इन द सेंस बहुत आसान सा क्वेश्चन है. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थर्ड. ठीक है, रूट्स को ये इन्फेक्ट करेगा और सारे के सारे क्या ले लेगा? न्यूट्रिशन से यहाँ से ले लेगा. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ठाकुर जी का भी सही है. आ जाइए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके जल्दी आ जाओ, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं, जल्दी जल्दी करना है. गोल्डन राइस इज, आप जल्दी जल्दी करते हैं. गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट वेयर द इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ. गोल्डन राइस, गोल्डन राइस किसकी? येलो कलर होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द बीटा कैरोटीन. ठीक है, तो करेक्ट आंसर गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन ए. गोल्डन राइस किस में रिच होता है? गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन ए. ठीक है, और ये किस लिए प्रोटेक्ट करता है हमें, किससे बचाता है? ऐसा करने से नाइट ब्लाइंडनेस से. ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. When gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual tissue to treat a disease, it is known as biopiracy, gene therapy, molecular diagnosis and safety testing. जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर. कोई भी जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्टेड इन इंडिविजुअल टिश्यू टू ट्रीट अ डिजीज दैट इज नॉन एज जीन थेरेपी. ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा भैया? यहाँ पर जो इन्फेक्टेड जो जीन है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा विद द करेक्ट जीन. ठीक है, चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन वी हैव इज चलो विद रिगार्ड टू इंसुलिन चूज द करेक्ट ऑप्शन. हमें करेक्ट करना है, स्टेटमेंट बतानी है सी. आप तो हिंट दे रही है, मैं कौन सा हिंट दे रही हूं वैभव? डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, बताओ. एकता मुस्कान आंसर बहुत स्लो हो गया. आपको बताना था, करेक्ट बताना है, स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है. तो सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, बिल्कुल सही है. क्या मैच्योर इंसुलिन के अंदर सी पेप्टाइड प्रेजेंट होता है? जी नहीं. ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. द इंसुलिन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड. बताओ, क्या जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, उसके पास सी पेप्टाइड होता है? बताओ. चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो इंसुलिन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज के पास सी पेप्टाइड नहीं होता. मैच्योर इंसुलिन के पास ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड होगा. और ठीक है, The probe-insulin के पास C पेप्टाइड है, A पेप्टाइड एंड B पेप्टाइड आर कनेक्टेड विद द डाइसल्फाइड लिंकेज, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ बिल्कुल सही है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ क्या है स्टेटमेंट, सही है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इसलिए सही नहीं है बच्चे क्योंकि द इंसुलिन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड, भैया उसके पास सी पेप्टाइड नहीं होता, ठीक है। फिर बायोटेक्नोलॉजी का काम क्या रह गया, चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बताना है, नॉट करेक्ट बताना है। The proinsulin has an extra peptide called C-peptide. The functional insulin and A and B chain are linked by hydrogen bond. A genetically engineered insulin is produced in E. coli. In man, insulin is synthesized as proinsulin. Incorrect बताना है, ध्यान में रखना, incorrect, incorrect, बिल्कुल सही कि जो functional insulin है A and B chain, these are linked with the डाइसल्फाइड बॉन्ड, बिल्कुल सही, किससे जुड़ा होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर द पब्लिक यूज इज, करेक्ट आंसर बताओ। अब इसका जो नाम चेंज हो गया है रिसेंट वो आपके पास आ गया है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी नाम, एक आप क्वेश्चन को मैं लास्ट जो क्वेश्चन होगा वो आपको होमवर्क के अंदर मिलेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क के अंदर मिलेगा, ओके। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी से इट बिकम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलो, Which kind of therapy was given in 1992 a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency? वो कौन सी टाइप की थेरेपी थी जो 1990 के अंदर एक 4-year-old गर्ल को दी जिसको डेफिशिएंसी थी ADA एंजाइम की? तो बहुत बढ़िया, सबका आंसर करेक्ट आ रहा है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, जीन थेरेपी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कोमल, आत्मिक, वैभव, भूषण, त्रिशा, दिता, ठाकुर, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर आ गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ह्यूमन इंसुलिन हैज बीन कमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम अ ट्रांसजेनिक स्पीशीज। जो ह्यूमन इंसुलिन है उसको कमर्शियली प्रोड्यूस किया है, किससे कमर्शियली प्रोड्यूस किया है, ठीक है। क्यों नहीं लूंगी दीपिका, मैं आपसे नाराज थोड़ी हूँ, बताओ। यानी कि 1983 के अंदर इलाई लिली कंपनी ने, ठीक है, बनाया था जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, और जो होस्ट सेल जो यूज की थी वो क्या थी बताओ। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बोला दीपिका आपने। गगन ने भी सही बोला, शिवम ने भी सही बोला, वैभव ने भी सही बोला, सिमरन ने भी सही बोला, मुस्कान, फरीहा मुस्कान ने भी सही बोला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, सबसे ज्यादा 95%, ठीक है, 95% बच्चे इसका कॉन्सेप्ट मैं बता चुकी हूं, आप एक बार फिर से लेक्चर को देख लेना, ठीक है, डिटेल में मैंने आपको समझाया है। सबसे ज्यादा 95% कौन है, कौन है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत सही। तो करेक्ट आंसर आ रहा है सबका, और फटाफट दे रहे हैं लोग, ठीक है। करेक्ट आंसर आ रहा है और फटाफट मेरे को आंसर मिल रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, मैक्सिमम 2 मैक्सिमम। Ti plasmid is often used for making transgenic plants, ठीक है। This plasmid is found in Azotobacter, rhizobium of roots of leguminous plants, Agrobacterium yeast as 2 micron plasmid। जल्दी बोलो, प्लांट्स के अंदर हम कौन सा बैक्टर यूज करते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स, बताओ। ये तो लास्ट क्लास के अंदर भी कराया था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम का Ti। देखो जो टी पार्ट है Ti प्लाज्मिड का, उसको क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था, ठीक है, Ti प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलो अब आ जाओ, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लास्ट एग्जाम में आए हैं, ठीक है। बस खत्म होने वाली है क्लास, डोंट वरी, क्लास खत्म होने वाली है, ठीक है। तो जल्दी से आप मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्लास खत्म होने वाली है। अगर आपको पता है, अगर आपने भैया क्लास की, सपोज ये आपके लास्ट सीयूईटी में आए हैं, ठीक है, लास्ट सीयूईटी में आए हैं, तो क्या आप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ बैसिलस थुरिंजिएंसिस, जो इनएक्टिव टॉक्सिन है वो एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कौन क्रिएट करता है? एल्कलाइन पीएच ऑफ गट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। जिसने सही आंसर दिया है वो अपनी तैयारी में बिल्कुल सही चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस? गोल्डन राइस से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है? It's a vitamin A enriched with gene from daffodil. It is a pest resistant with gene from Bacillus thuringiensis. It is a drought tolerant developed using Agrobacterium vector. It has yellow grains because gene introduced from a primitive variety of rice. बताओ करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, बहुत सही। जो जीन लिया है वो कहाँ से लिया है? डैफोडिल से, ठीक है। आंसर करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है बघेल, सेम टू यू। नेक्स्ट, सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन अ पार्ट ऑफ मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डाई सल्फाइड ब्रिजेस रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन, रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास अटेंड करने के बाद आपके जो लास्ट ईयर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से क्वेश्चन आए हैं वो आप सारे कर रहे हो। इसका मतलब आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं। तो ये क्या होगा? इट रिमूव्ड ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन, क्योंकि मैच्योर इंसुलिन के पास सिर्फ दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड पॉलीपेप्टाइड चेन बी, दोनों जुड़ी होती हैं किससे? डाइसल्फाइड लिंकेज से, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन, जो लास्ट जो क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बोला था जो लास्ट क्वेश्चन है ये होगा आपका होमवर्क। होमवर्क के अंदर कमेंट के अंदर मुझे बताना, ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। तो ये थी आपकी कहानी अभी तक की चैप्टर की, और हम मिलेंगे किसका फंक्शन? भूषण कुमार गोयल, किसका फंक्शन? चलो ठीक है भैया, ये तो आप एक बार गूगल से चेक कर सकते हैं, ठीक है, गूगल से आप चेक कर सकते हैं एक बार, उसमें डिटेल में आपको मिल जाएगा कौन कट ऑफ क्या गई थी लास्ट ईयर की, ठीक है। इतना तो मुझे ध्यान नहीं है कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या गई थी। वैभव आप करना ना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि मैंने देखा या नहीं देखा, ठीक है। बच्चे अलग अलग कॉलेज के अंदर सब कोर्सेज होते हैं, आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि इस कॉलेज के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्कोप है इसके अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर, आपको मज़ा भी आएगा पढ़ते टाइम। चलो फिर हम नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे, कल सेशन होगा, और कल जो सेशन होगा, ठीक है, अपना चैप्टर होगा एवोल्यूशन का। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये सेशन में मज़ा आया होगा, ठीक है। मेरा कोई बर्थडे नहीं है आज शिवांशु, बट थैंक यू सो मच। तो मैंने ट्राई किया है कि सारे के सारे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा दूं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। तो मैंने क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं। 4 टॉपिक हैं जो इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेना, आपका ये चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। कोई नहीं भाई, कल हम मिलेंगे एवोल्यूशन के साथ और अच्छे से इसकी पढ़ाई करेंगे। ऑल राइट जी, नहीं, कल एवोल्यूशन होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे स्ट्रेटेजीज होगा। ऑल राइट, ओके, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।